हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। या गाइस, आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है आप सबके लिए, जो कि आप राखी में वेयर कर सकते हो। इस मेकअप लुक को ना आप किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी कलर के कुर्ते के साथ वेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का ये प्राइमर। इसका ऊपर का कवर मैंने रिमूव कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर आर मेकअप, क्योंकि वो मेकअप और हमारे फेस के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। फेस को प्राइम करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। यहाँ इस आई शेडो में से डार्केश ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज को फिल करूँ। प्राइमर यूज़ करने के बाद ना फेस इतना सॉफ्ट हो जाता है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। और इस पर ना फाउंडेशन बहुत अच्छा ग्लाइड करता है। ओके, फॉर नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे लैक्मे 925 का फाउंडेशन। एक शेयर कवरेज फाउंडेशन है जो कि हमें इस डे लुक के लिए चाहिए, तो मैं यही फाउंडेशन आज यूज़ करूँगी। ये 925 जो फाउंडेशन है गाइस, ये तो मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। बचा हुआ फाउंडेशन है वो नेक में भी हम लगा लेंगे, ताकि हमारा फेस हमारे नेक से अलग ना लगे। बहुत फनी लगता है गाइस ऐसे देखने में, जब आप अपने फेस में ही बस फाउंडेशन लगाते हो और आपका नेक बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, तो इसीलिए हम नेक में भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा। आई एम डन विथ माई बेस। सो फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग हेयर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट। दिस इज़ माई फेवरेट कंसीलर पैलेट गाइस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और इसमें 6 शेड ऑफ कंसीलर्स मिल रहे हैं। एक ऑरेंज कलर करेक्टर, 2 डार्क शेड फॉर कॉन्टोरिंग और 3 कंसीलर्स शेड्स मिल जाते हैं। इससे मैं अपने आईज़ को कंसील कर लूँगी और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर अप्लाई। बाद हम अपने फेस को करेंगे सेट विथ अ लूज पाउडर, बिकॉज समर टाइम मेकअप है गाइज, और अगर आप अपने फेस को अच्छे से पाउडर से सेट नहीं करोगे तो फेस बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, और आपका मेकअप एक जगह पे स्टे नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर दोज हु हैव ऑयली स्किन, कि आप अच्छे से किसी एक अच्छे लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर। हमेशा पाउडर करने के लिए ना एक ऐसा फ्लफी ब्रश यूज़ किया करो, ब्रश। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। हम अब करेंगे आई मेकअप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्लफी ब्रश छोटा सा, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये लाइटेस्ट ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ फॉर माई ट्रांजिशन शेड, और ये है मेरा स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। उसको मैं अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई करूँ। उसके बाद हम ऐसा एक पॉइंटेड ब्रश लेंगे और उससे थोड़ा इस शेड से थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लेके हम उसको अपने आईज के आउटर वी, ये जो है इस पे यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद वो पुराना फ्लफी ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे हमारे आई मेकअप में। उसके
बाद सेम पैलेट से हम ये शिमर शेड लेंगे गोल्डन डार्किश ब्राउन कलर का, उसको पूरे आईलिड में अप्लाई कर। व्हाट विल वी डू, वी विल टेक दिस पॉइंटेड ब्रश और ये जो शेड है थोड़ा डार्क ब्राउन, उसको लेके हम अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर देंगे। लोअर लैश लाइन में अप्लाई करने से क्या होता है ना, आपके आईज जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती है। सी आई हैव हुडेड आईज, तो ना विंग ड्रॉ करने से मेरी आईज ना और ज़्यादा छोटी लगती हैं। सो मैं बहुत ही पतला सा एक आई लाइनर ड्रॉ करती हूँ ताकि मतलब आईज़ को एक लुक भी मिले और आईज़ छोटी भी ना लगे। सो मैं एक पतला सा आई लाइनर ही ड्रॉ करूँगी। इफ़ यू हैव बिगर आईज और अगर आपकी हुडेड आईज नहीं है तो आप विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते, बट विंग लाइनर मुझे सूट नहीं करता, सो मैं एक पतला सा आई लाइनर ही ड्रॉ करूँ। लाइक दिस। उसके बाद हम अपने आई मेकअप को मस्कारा के साथ कंप्लीट करेंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग मार्स का फैबुलस मस्कारा। मस्कारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस। अभी आप देखना मस्कारा कितना डिफरेंस लाता है मेकअप। सी दिस इज द आई मैंने जिसमें मस्कारा लगाया है और ये कितना डिफरेंस है दोनों आईज में। नाउ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें से ये कॉन्टोरिंग शीट लेके हम फेस को थोड़ा कॉन्टोर करेंगे। मेरे तो भाई इतने शैतान है ना गाइस, आप लोगों को क्या बताऊँ। थोड़ा भी मेकअप कर लेने से ना वो लोग ऐसे कहते हैं तू कौन है, कौन है तू, ये मुँह में क्या लगा क्या आई है, मतलब वो बहुत मजाक उड़ाते हैं मेकअप करने का। फिर इसी सेम पैलेट से मैं ये शेड अपने ब्लश के लिए आज यूज करूँगी। ब्लश के लिए ना आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ये जो सी शेप दिख रहा है ना, इस पूरे में आपको ब्लश अप्लाई करना है। ब्लश अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप जो है हमारा हाईलाइट, तो आज मैं यहाँ पे ये गोल्डन हाईलाइटर यूज करूँगी लेकिन मैं अपने चिक बोन्स पे अप्लाई करूंगी। आई नो चिक बोन्स नहीं है। और यही सेम हाइलाइटर लेके मैं थोड़ा आईज के ना इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटी है तो आप लास्ट में सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, बट मैं सेटिंग स्प्रे आज यूज नहीं करूंगी क्योंकि डे टाइम ये लुक है और हमें 6-7 घंटों के लिए ये मेकअप नहीं रखना है, मोस्टली मैक्सिमम 2-3 घंटों के लिए रखना है। सो आज मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करूँगी। विद दैट हमारा लुक कंप्लीट नहीं हुआ, लिपस्टिक बाकी है अभी। सो फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग है इनसाइड का मेकअप एसेंशियल नॉन ट्रांसफर लिप कलर और ये लिपस्टिक सिर्फ 80 रुपीज़ की है गाइस, ट्रस्ट मी। और इतना अच्छा फॉर्मूला है ना इसका, ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता कहीं, लिप्स को ड्राई भी नहीं करता, किसी एक चीज की तो कमी लग रही है। बिंदी बिंदी माय फाइनल फिनिश लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने सिस्टर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो ये लुक राखी में क्रिएट कर पाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। और हाल ही में ना मैंने मिंत्रा का एक हॉल शेयर किया है आप सबके साथ, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ इसके बाद जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी राखी टू यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।